आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़कर 49,276 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अच्छी खबरें आ रही हैं कि डॉलर के हवाले से भी और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी। बिल्कुल, देखिए करेंसी मार्केट में पूरे 10 रोज बाद आज डॉलर कमजोर हुआ है और रुपया तगड़ा हुआ है और पूरे 1.5 रुपए से ज्यादा की इसमें जो है क्या कहते हैं कमी आई है डॉलर की कदर में। ये बड़ा अच्छा है एक साइन। दूसरी बात ये कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तो छक्का ही लगा दिया है। 500 से ज्यादा पॉइंट प्लस है अभी भी स्टॉक मार्केट और 49,000 पॉइंट का लेवल जो बहाल हुआ है ये पूरे 6 साल बाद बहाल हुआ है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 26 करोड़ का शेयर का अभी इस वक्त काम हो चुका है जबकि पूरा अभी 2 घंटे बस 3 घंटे बाकी है और रोजाना वॉल्यूम जो बन रहे हैं वो 50 करोड़ शेयर से ऊपर बन रहे हैं। ये आम आदमी और इंडिविजुअल नहीं लेते, यकीनन कोई फंड हैं जो मार्केट में दोबारा आए और HBL की भी सुनने में आ रही है कि जो है आखान फंड जो है इसमें काफी भारी सरमायाकारी कर रहा है, उसका कल ऐलान हुआ है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन बायर था जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रूठा हुआ था वो दोबारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया है। पूरे 39 माह बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो है 22% का रिटर्न दिया है जुलाई के महीने में। तो कई सारे रिकॉर्ड अब बहाल जब होना शुरू हुए तो सबका एतमाद हुआ सरमायाकारों का और सब मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।